साथियों, यदि इसरो का मिशन चंद्रयान 3 की अपडेट की बात की जाए तो इसरो ने मंगलवार दोपहर को बताया है कि चंद्रयान 3 का ऑर्बिट रेंजिंग मैनूवर यानी कि अर्थ बाउंड फायरिंग सफलतापूर्वक किया गया है। अंतरिक्ष यान के 12,07,609 किलोमीटर बाय 236 किलोमीटर की कक्षा में प्राप्त करने की उम्मीद है। ऑब्जर्वेशन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। अगली फायर ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी कि TLI 1 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे IST के बीच करने की योजना है। और यदि हम बात करें कि आखिर चंद्रयान मिशन क्या है, तो हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रोपल्शन मॉडल्स, लैंडर मॉड्यूल्स और एक रोवर शामिल है। मिशन में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना, लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर से एक रोवर निकालना और फिर इसका चंद्रमा की सतह पर घूमना शामिल है। वैसे भी आपको पता होगा कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है। भारत 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग कराने का मतलब है पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतारना। अगर दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। यह लैंडिंग इसलिए भी खास होती है कि चंद्रमा का यह हिस्सा अब तक इंसान की नज़रों से छिपा रहा है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर बेशक अपने यान उतार चुके हैं, मगर वहां अनेक स्थानों पर उतारा है जो कि दक्षिणी ध्रुव में नहीं है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक श्री नवी नारायण ने दावा किया है कि अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो भारत के आंतरिक क्षेत्र के कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।